योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। किसी दिन, कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा ग्वादर आप ले लो। ये मंगला डैम के ऊपर जो है हमारे कश्मीरी जो है कब्जा कर लेंगे, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे हम। आप इंडिया की नकल कर रहे हैं, इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं। ये इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहां डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं, स्टार्टिंग लिया 76 साल पीछे हैं आप। क्या थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत है हमारी और हमें ताने दिए जाते हैं कि हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है। वो एटम का भी हमने क्या करना है, बतर में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमने। भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। जिस तरह कहते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो वी आर इंडियन कश्मीरीज। आप जैसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि हम जो है इंडिया का हिस्सा बन जाए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं और ऐसी क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि अगर हम इंडिया के साथ रहेंगे तो हम एक बेहतर कश्मीरी बन पाएंगे या हम एक बेहतर फ्यूचर ढूंढ पाएंगे? नो डाउट उनके इकोनॉमी बहुत अच्छी है, नो डाउट उनके उनके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, उनके यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बात एक रियासत की हो रही है ना कि आप एक इतनी बड़ी रियासत को मर्ज कर रहे हैं एक कंट्री के अंदर टोटली, जैसे वो डिवाइड है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, फिर यहाँ पर जो है इंडिया के पास है, तो मतलब ये प्लानिंग क्यों की जाती है और इसका क्या फायदा है कि उधर ही जाना है, अलग भी नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना और हमें तीसरी ऑप्शन चूज करनी है इंडिया। देखें बात यह है कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया गया तो उसमें चॉइस दी गई थी कि आप या इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या आप इंडिपेंडेंट रहें, और ये चॉइस 560 रियासतों को दी गई इंडिया की। तो उस वक्त जिन रियासतों ने इंडिया के साथ गए वो इंडिया के साथ गए, जो पाकिस्तान के साथ पंजाब और सिंध ही आए थे और केपीके को साजिश के तहत जो है वो शामिल किया गया, पीओजेके जो था हम तो आजाद रियासत थे, हम पर तो पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला करके जबरदस्ती कब्जा किया, बलूचिस्तान के ऊपर 27-28 मार्च 1948 को हमला करके उन पे कब्जा किया। तो उस वक्त जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे महाराजा ने फिर हिंदुस्तान के साथ इलाहाब किया अपनी रियासत को बचाने के लिए। तो ये कहना कि हम हमारी ख्वाहिश है कि जम करें, हमारी ख्वाहिश नहीं है, लीगली हम भारत का हिस्सा है, लीगली हम इंडियन सिटीजन हैं, लीगली पीओजेके और पीओजीबी जो है ये इंडियन टेरिटरी है, जो कि उस वक्त नेहरू को आजाद करानी चाहिए, लेकिन नेहरू माउंटबेटन के कहने पर चला गया यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये जो मगरबी जम्मू का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। तो ये एक बड़ी ग्रेट गेम जो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान चल रही थी उसमें हम सैंडविच हो गए, बलूचिस्तान भी और पीओजेके भी। तो अब आ जाता है सवाल कि हम ये क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया में शामिल हों। देखिए इंडिया में तो ऑलरेडी हम शामिल हैं, लेकिन चलो मैं लिटरली आपका सवाल ले लेता हूँ कि क्यों शामिल होना चाहते हैं। हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमारे महाराजा ने ये फैसला किया था उस वक्त के कानून के मुताबिक, ठीक है। दूसरा जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर है दोनों हिस्सों में है उसमें एक कैफियती फर्क है, कदर का फर्क है, और वो ये है कि इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहां डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी, लिहाजा यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है सवाए लूट मार के। और सेकंड, क्या थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत है हमारी और हमें ताने दिए जाते हैं कि हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है।
जबकि हमने कई दफा ये साबित किया है दादो शुमार दे के भी कि हम पाकिस्तान का नहीं खाते, पाकिस्तान हमारा खाता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ हमारे 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं बिजली की मद में, जो पाकिस्तान को हमें देने चाहिए और वो नहीं दे रहा। तो ये वजह है कि हम पाकिस्तान के साथ मजीद जो है वो नहीं रह सकते। हमारे लोग जिला वतन हो रहे हैं, मर रहे हैं, समुद्रों में डूब डूब के मर रहे हैं, कश्तियां डूब रही हैं, कोई कहाँ धक्के खा रहा है, कोई कहाँ धक्के खा रहा है। 40 लाख में से 20 लाख तो हमारे मुल्क से बाहर धक्के खा रहे हैं। औरतें जो है शादीशुदा औरतें बेचारी जवान औरतें पीछे घर में खामद के बगैर बैठी हुई हैं, खामद उनके बाहर गए हुए कमाने के लिए मिडिल ईस्ट में यूरोप में। तो अब हमारा पाकिस्तान के साथ ना पहले गुजारा था, अब तो खैर बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। और ये जो कह रहे हैं ना, कोई कहता जी 25 तारीख को हम तहरीक इस्तेकाम है पाकिस्तान रैली निकाल रहे हैं पूरे आजाद कश्मीर में, कोई कहता है 28 को निकाल रहे हैं, ये निकालें इनको जूते पड़ेंगे, ये पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, इनकी वजह से ही तो आज तक हम ना इधर हो सके ना उधर हो सके और बीच में लटके हुए हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये देखिए योगी आदित्यनाथ की जो उन्होंने एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी की कि भाई अभी 4 जून को हमारी गवर्नमेंट बनने दो, फिर 6 महीनों के अंदर, आपको क्या लगता है कि 6 महीनों के अंदर अंदर इंडिया कैसे जो है आजाद कश्मीर को अपने साथ जम करेगा, कैसे करेगा, ये कुछ तो आइडिया होगा ना आपको? पहली बात तो ये है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बराह रास्त मेरे सवाल का जवाब दिया अपने जलसे। अच्छा, उन्होंने योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो। ठीक है ना, क्योंकि जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर मैंने इतना शोर डाला है, मेरी स्टेटमेंट्स डेली छप रही हैं, कल भी परसों भी डेली बेसिस पे मेरे बयान आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं जिसमें मैं ये इंडिया को कह रहा हूँ कि भाई इसको अब छप। इंडिया का मसला ये कि वो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वो उसमें उलझ गए, फंस गए, वो इमीडिएटली कोई स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन कम से कम ये तो मैंने कर दिया कि भारतीय जो इंतखाबी मुहिम है उसमें मैंने पीओजेके को टॉप एजेंडा बना दिया। कोई भारतीय लीडर जो है पीओजेके का जिक्र किए बगैर जो है वो स्टेज से नीचे नहीं उतर सकता। अब आ जाती है बात कि योगी आदित्यनाथ जी 6 महीने में कैसा चमत्कार करेंगे कि ये हो जाए, तो वो योगी जी को पता होगा या इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को पता होगा, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। अब बारात ने आना है, बारात का इंतजार हो रहा है कि बारात, अब उन्होंने बारात ने डेट दे दी है, उन्होंने बारात ने कह दिया जी हम 6 महीने में बारात लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यह बारात जब नहीं आएगी अगर 6 महीने में, तो फिर उसके मुताबिक जो है बारात ना आई तो उसके मुताबिक फिर हम देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने भारत में, हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। जिस तरह कहते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो वी आर इंडियन कश्मीरीज़।